हेलो गाइस, नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब सही होंगे। तो सुबह की चाय यहाँ बन चुकी है मेरी, सफाई भी हो चुकी है मेरी, यहाँ निमृत दीदी भी उठ गई है हमारी। ये रुद्राक्ष भाई साहब फिर वही नखरे कर रहे हैं। ये देखो इनके रोज के ड्रामे, ये देखो। मैं नहीं जा रहा। क्यों? मेरा दर्द और खुजली मचे। ये देखो ये मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, सुबह सुबह उठ जाती है, मेरी हेल्प कराती है। तो पर निम्बू की आज करी है मेरे से फरमाइश कि मम्मा मेरे को खानी है पूड़ी। तो गाइस यहाँ पूड़िया मैंने बेल के रख ली हैं। ये देखिए इन्होंने बनवाया था सीताफल, बच्चों ने इनके लिए सीताफल बनाया है। तो ये पूरी खाते हैं सीताफल से, कड़ी से, ये सब चीज़ों से पूड़ियाँ बहुत पसंद करते हैं। तो आज ही पूड़ियाँ लेके जाएंगे। तो आज निमृत की चोटी हो रही है, रुद्राज भाई साहब फ्रेश होने रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस निमृत की चोटी हो गई है, निमृत को आगे से गुद वाली चोटी अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए वाली चोटी बहुत पसंद है और मुझे अपनी बेटी इस चोटी में अच्छी बहुत लगती है। बाय बाय। तो गाइस बच्चे चले गए हैं, अपना भाई अपना काम करूँगी। और आज मेरे भाई को भी आना है दवाई लेने, क्योंकि मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि उसकी दवाई हमारे यहाँ से चल रही है, तो वो दवाई लेने आएगा चेंज करके, क्योंकि उसके दर्द में ना आराम थोड़ा है, थोड़ा नहीं है। वैसे भी उसकी हड्डी टूटी है कंधे की, तो दर्द ज़रा धीरे धीरे ही जाएगा, क्योंकि कहते हैं जोड़ की जो हड्डी होती है वो जुड़ने में टाइम लेती है। तो वो आएगा तो मैं आपको मिलाऊंगी, शायद मेरी बहन भी आए, तो देखते हैं दोस्तों कौन आता है कौन नहीं। फिर आपको मैं इस काम करने के बाद मिलती हूँ, जब तक के लिए। 5 minutes later तो गाइस मेरा काम ख़त्म हो गया है, मेरा भाई घर आ गया है, दवाई दिलाने जा रही हूँ उसको, रिक्शे में हूँ मैं। आएंगे वो भी चले गए हैं खाती से, अभी अभी नाश्ता पानी करा के बस निकले ही हैं, अभी जाके डॉक्टर पे आपसे फिर मिलते हैं। देखिए गाइस मेरे भाई अनिल भाई। तो गाइस मैंने दवाई दिला दी है भाई को, मैं घर आ गई, वो भाई को घर छोड़ा है, तो दीदी को मार्केट जाना था। जैसे कि मैंने आपसे एक व्लॉग में कहा था कि हमारे यहाँ तिलक नगर मार्केट लगती है, तो मुझे मेरी दीदी को वहीं जाना है। अब पता नहीं क्या खरीदेंगी, देखते हैं, अभी दिखाएंगे आपको क्या खरीदेंगी। तो जब तक कि आप हमारे साथ बने रहिए, ये मैं अपने रिक्शे वाले भैया को भी लूँगी आपके साथ, तो दिखाती हूँ मैं अपने भैया को भी, रिक्शे वालों को कैसे दिखाएंगे दिखाऊँगी। तिलक नगर मार्केट है, इस मार्केट में हम दीदी को लेके आई हूँ मैं अपनी बहन को, तो दिखाती हूँ आपको मार्केट यहाँ की। ये देखिए पर्स की दुकान। क्या लो भाई शर्ट कैसे? 300। और ये पीछे भी है, सब एक ही रेट है। तो गाइस हम तिलक नगर मार्केट में हैं, ये देखिए मार्केट। मेरी बहन भी है साथ में, पर व्लॉग में नहीं आ रही है, कह रही है आऊँगी एक दिन। चलो तो वो आएंगी आपको, आपसे कभी मिलने। तो गाइस हमेशा बोलती है मैंने कलर नहीं किए, मैंने ये नहीं किया, तो अब हम कलर वलर लगाते हैं। नानी बन गया ना आफ्टर ऑल। तो ये है
तिलक नगर मार्केट, हम मार्केट पे हैं और अभी हम मार्केट में पहुँचे तो मार्केट लगी नहीं थी, अब कुछ सामान मिला कुछ नहीं, तो दीदी ने पर्स ही लिया खाली, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, मैं तो आती रहती हूँ तो इसलिए शायद दीदी ने ले लिया, क्योंकि हमें कहीं जाना है, हम आपको बताएंगे वहीं पर मिल के। तो गाइस घर जाके आपसे बात करते हैं, जब तक के लिए देखिए मेरी दीदी का पर्स, ये तो बहुत सुंदर लगा, एक छोटा सा भी लाई है क्योंकि इन्हें कहीं जाना है, तो हम दिखाएंगे आपको कहाँ जाएंगे, अभी नहीं अभी तो थोड़ा टाइम है, तो जब भी दिखाएंगे आपको जब हम जाएंगे। तो ये हमारी गौ माता खड़ी हुई हैं, आज मैं वहाँ चली गई थी डॉक्टर पर, डॉक्टर से वहीं पे मार्केट निकल गई, तो गौ माता की रोटी रह गई, तो अभी गौ माता की रोटी खिलाऊंगी मैं, जब फिर मैं खाऊंगी रोटी, तो जब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। 2000 years later. तो गाइस अभी मैं छोड़ के आई हूँ, भाई बहन और भाभी आए थे, तो उनके साथ मार्केट गई दो बार, तो मैं थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई, अभी मैं छोड़ के आई हूँ तो साफ़ सफाई की है, मेरा छोटा सा घर है, कोई आ जाता है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो फिर मैंने साफ़ सफाई करके किचन साफ़ की है, तो मैं भूल गई थी कि मैंने अभी आप लोगों को बाय नहीं की, तो आज का मैं ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।